हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास स्टैंडर्ड 6, सब्जेक्ट मैथ्स। सो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर 1 के कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे? कंपेयरिंग नंबर्स, प्लेस वैल्यू टेबल, इंडियन एंड इंटरनेशनल बोथ, देन यूज ऑफ कॉमा एंड हाउ टू राइट अ नेम ऑफ अ नंबर। तो इतने टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे, तो उसी से रिलेटेड एक एक्सरसाइज है जिसको अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स। 1 लाख इक्वल्स टू डैश इंटू 10,000। ओके, तो 1 लाख कैसे लिखते हैं वो प्लेस वैल्यू टेबल में मैंने आपको सिखाया था। 1 लाख कैसे लिखते हैं वो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके, 1 लाख, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे 1 लाख इक्वल्स टू डैश इंटू 10,000। 10,000 कैसे लिख सकते हैं? 10,000। ओके, तो अभी हमको देखना है, देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट नंबर है। ये कितने डिजिट नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट नंबर है। तो अभी हमको इस नंबर को, ये नंबर बनाने के लिए हम इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला नंबर हमको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी कि मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 लाख मिलेगा। तो 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? तो 10,000 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, 10,000 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल जाएगा, 1 लाख। ओके, मिल गया 1 लाख, 6 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 10 into 10,000। तो यहाँ पे आंसर आपको क्या लिखना है, 1 लाख इक्वल्स टू 10 into 10,000। ओके, उसी तरह से 1 मिलियन इक्वल्स टू 100,000। तो अभी 1 मिलियन को हम लोग कैसे लिखेंगे? 1 मिलियन इक्वल्स टू क्या था हमारा प्लेस वैल्यू टेबल में हमने देखा था, 10 लाख इक्वल्स टू 1 मिलियन होता है। ओके, तो अभी उसको लिखेंगे कैसे, अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे पीछे से प्लेस वैल्यू टेबल में मैंने सिखाया था ना, ऐसे करके वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, देन इंटरनेशनल में 10,000 के बाद क्या आता है, 100,000 एंड 1 मिलियन। ओके, तो 1 मिलियन को हम ऐसे लिखते हैं। ये कितने डिजिट का नंबर है? 7 डिजिट का नंबर है। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर 7 डिजिट का, इक्वल्स टू डैश इनटू 100,000। अभी 100,000 कैसे लिखेंगे, 100,000, आया समझ में? अभी ये देखिए, ये कितने डिजिट का नंबर है, 7 डिजिट का नंबर है, ये 6 डिजिट का नंबर है। अभी हमको इस नंबर को इस नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे ताकि हमको ये वाला नंबर मिले। ओके, तो अभी हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैं यहाँ पे आंसर लिखती हूँ, ठीक है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आप सबको आता ही होगा। तो यहाँ पे देखिए 10,000 जो 100,000 जो है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको 1 मिलियन मिलेगा। तो जब आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तभी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलियन। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, 10,000। देन इसके बाद है 1 करोड़। 1 करोड़ इक्वल्स टू डैश 10 लाख इंटू 10 लाख। तभी 1 करोड़, 1 करोड़ को कैसे लिखते हैं? मैंने 1 करोड़ को समझाते टाइम भी बोला था कि वो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 डिजिट नंबर लिख देंगे स्मॉलेस्ट। ओके, 1 करोड़ इक्वल्स टू डैश इंटू 10 लाख। अभी 10 लाख वो कैसा नंबर है, 7 डिजिट नंबर है। ओके, तो अभी देखिए ये 7 डिजिट नंबर है, ये कौन सा डिजिट नंबर है, ये 8 डिजिट नंबर है। अभी ये देखिए इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको यहाँ पे ये वाला आंसर मिलेगा। ओके, 1 करोड़ मिलेगा। 10 लाख को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको क्या मिलेगा, 1 करोड़ मिलेगा। तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, इसको जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 करोड़ मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 10। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, 1 करोड़ इक्वल्स टू डैश मिलियन। अभी देखिए मिलियन कौन सा नंबर है,
देखिए 10 लाख इक्वल्स टू 1 मिलियन होता है, तो ये दोनों क्वेश्चन तो सेम सेम ही हो गए ना। 10 लाख इक्वल्स टू मिलियन, 1 मिलियन होता है, ये हमने प्लेस वैल्यू टेबल में पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा, सेम 10। एंड 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, तो ये भी हमने प्लेस वैल्यू टेबल में सीखा था, कितने लाख होते हैं, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख होता है। ओके, देन नेक्स्ट, प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। अभी यहाँ पे फर्स्ट आपको नेम दिया गया है, नंबर का नेम आपको गिवन है और आपको ये नंबर लिखना है और उसमें कॉमास करेक्टली पुटअप करने हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या है, 73,75,307। अब ये लैक में है मतलब कि वो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। ओके, तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको प्लेस वैल्यू टेबल मैंने सिखाया था। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या था, फर्स्ट प्लेस कौन सा होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड, देन उसके बाद में कॉमा, देन थाउजेंड, 10,000, देन कॉमा, देन उसके बाद में लैक, देन उसके बाद 10 लैक, देन कॉमा एंड देन करोड़। तो यहाँ पे क्या पूछा है आपको, करोड़ का कोई प्लेस है, नहीं, तो इस प्लेस पे कुछ भी नहीं आएगा। ओके, क्या है, देन उसके बाद में है 73 लैक, तो 73 वो लैक के प्लेस पे आएगा, तो ये हो गया 73। देन उसके बाद में क्या आएगा, 75,307, तो 307 आया समझ में। तो यहाँ पे क्या आएगा, 73,75,307। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, 9,05,41। देखिए ये भी करोड़ में है मतलब कि इंडियन प्लेस वैल्यू टेबल आपको जाना है। ठीक है, तो इंडियन प्लेस वैल्यू टेबल फिर से लिखती हूँ मैं यहाँ पे, वंस, देन उसके बाद टेंस, हंड्रेड, देन कॉमा, देन उसके बाद में लैक, सॉरी थाउजेंड, 10,000, लैक, 10 लैक एंड करोड़। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 9 करोड़, तो करोड़ के प्लेस में क्या आएगा, 9, देन उसके बाद में 5 लैक। देखिए 5 लैक बोला है, यहाँ पे कोई भी 10 लाख के प्लेस में कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 एंड देन यहाँ पे 5, देन उसके बाद में क्या बोला है, 5,41,000, दैट मीन्स 1,000 के प्लेस में भी कुछ भी नहीं है। ओके, 0,0 और क्या बोला है, 41, तो 100 के प्लेस में भी कुछ नहीं है एंड देन 41, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 9,05,41,000 आया समझ में। देन नेक्स्ट क्या है, 7,52,21,302, तो ये भी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको पूछा है। करोड़ आया मतलब कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, याद रखिए करोड़, लैक, ये सब किस में आता है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है। एंड देन उसके बाद मिलियन, बिलियन, ये सब किस में आएगा, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आएगा। ओके, ये प्लेस वैल्यू टेबल आपको याद करना ही होगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देन उसके बाद में फिर से हम ये वाला प्लेस वैल्यू यहाँ पे कर देंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, देन थाउजेंड, 10,000, देन उसके बाद में लैक, 10 लैक एंड करोड़, तो 7 करोड़, तो करोड़ के प्लेस में यहाँ पे क्या आएगा, 7, देन उसके बाद में 52 लैक, देन 21,302, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7,52,21,302। ओके, तो प्लेस वैल्यू टेबल आपको याद करना पड़ेगा। और कॉमा इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे लगता है, लास्ट 3 डिजिट, देन 2 डिजिट, देन 2 एंड सो ऑन, ऐसे करके आपको आगे जाना है। ओके, 2, 2, 2, लास्ट, सिर्फ लास्ट में ही, देखिए कॉमा हमेशा बैक साइड से पुट करना, स्टार्ट करना होता है। ओके, देन नेक्स्ट आपका क्या है, 58,423,202। तो अभी यहाँ पे देखिए
ये जो है 58 मिलियन। अब ये किस में आ गया, मिलियन मीन्स ये इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग था, ओके अकॉर्डिंग है। अभी इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले देखिए प्लेस वाली टेबल, वंस, टेंस, हंड्रेड, देन उसके बाद में थाउजेंड, टेन थाउजेंड, देन उसके बाद में लैक नहीं आएगा, क्या आएगा, हंड्रेड थाउजेंड एंड देन मिलियन। अभी इंटरनेशनल सिस्टम जो है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे कॉमा पुट करते हैं, लास्ट के थ्री डिजिट, वन टू थ्री कॉमा, लास्ट के थ्री डिजिट, देन उसके बाद फिर से थ्री डिजिट कॉमा, ओके। तो ऐसे करके हम यहाँ पे कॉमा को पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, 58 मिलियन, 58 सॉरी, यहाँ पे देन उसके बाद में 10 मिलियन का भी है, 58 मिलियन। सो 58 मिलियन, देन उसके बाद में क्या है, 423,000, 423,000, ओके। देन उसके बाद में क्या है, 202, 202, आया समझ में, 58 मिलियन, 423,202, ओके। देन अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23,30,010। अभी देखिए इसमें क्या आया, लैक वाला लैक आया, तो मतलब कि वो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग है, ओके। तो अभी इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग फिर से प्लेस वैल्यू हम लोग करेंगे, तो कितना है, 23 लाख तक है ना, तो लाख तक का प्लेस वैल्यू, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, देन 10,000, देन उसके बाद लाख एंड 10 लाख, तो 23 लाख, 23 लाख, 30,000, 30,000, 10, 10 मतलब 100 के प्लेस में कुछ भी नहीं है, तो 0, 10, आया समझ में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 23,30,010, ओके। यहाँ तक समझ में आया सबको, ओके। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंसर्ट कॉमास सूटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो यहाँ पे कॉमास इंसर्ट करने के लिए बोला है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो यहाँ पे देखिए इंडियन सिस्टम में क्या था, कॉमा कैसे पुट करते थे, लास्ट के थ्री डिजिट देन कॉमा, देन टू डिजिट कॉमा, ऐसे करके हम लोग आगे जा रहे थे, ओके, अकॉर्डिंग टू इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। तो अभी यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसे कॉमा पुट करेंगे, तो 1, 2, 3 थ्री डिजिट कॉमा, देन उसके बाद 2 डिजिट, 1, 2, 2 डिजिट कॉमा, उसके बाद फिर से 2 डिजिट, 1, 2 कॉमा, ओके। तो अभी इसको रीड कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ से बैक से हम लोग वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़, तो ये 8 कौन से प्लेस पे है, करोड़, तो इसको क्या करेंगे, 8 करोड़, देन उसके बाद क्या है, 75 लाख के प्लेस पे है, तो 75 लाख, 95 कौन से प्लेस में है, वो 1000 के प्लेस में, 95,762, आया समझ में। देन नेक्स्ट में फिर से इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आपको करना है, क्या है, लास्ट के थ्री डिजिट एंड देन कॉमा, 1, 2, 3 थ्री डिजिट कॉमा, 1, 2, 2 डिजिट कॉमा, ओके। सो यहाँ पे फिर से रीड करना स्टार्ट करेंगे बैक से, वंस, टेंस, हंड्रेड, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये लाख के प्लेस में क्या है, यहाँ पे 85, सो 85 लाख, 46,000, 283, ओके। आए समझ में कैसे नेम्स हम लिख सकते हैं, ओके। तो ये जो दो क्वेश्चंस है दैट यू कैन डू बाय योरसेल्फ, ओके, तो ये आप लोग घर पे खुद सॉल्व करो, ओके।
और आपको समझ में ना आए तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। देन उसके बाद में इंसर्ट कॉमा सूटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो अभी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे कॉमास इंसर्ट करते हैं, लास्ट के थ्री डिजिट कैसे कर रहे थे, थ्री डिजिट कॉमा थ्री डिजिट कॉमा थ्री डिजिट कॉमा, ऐसे करके सो ऑन हमको आगे जाना है। याद रखिए हमेशा कॉमास कहाँ से पुट करना है, बैक साइड से पुट करना है। ओके, तो यहाँ पे लास्ट के थ्री डिजिट वन टू थ्री, थ्री डिजिट कॉमा वन टू थ्री, थ्री डिजिट कॉमा। ओके, अभी इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे, देखिए वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड मिलियन टेन मिलियन, तो ये क्या है 78, क्या आएगा 78 मिलियन, 78 मिलियन। देन उसके बाद क्या है 921,000, 921,092। ओके, आ समझ में। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ओके तो अभी इसमें भी इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपको कॉमास पुट करने हैं। ओके, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग आप इसमें कॉमा पुट करना है यहाँ पे, तो कैसे करना है, थ्री डिजिट कॉमा वन टू थ्री कॉमा वन टू थ्री कॉमा। ओके, तो अभी इसमें क्या आएगा, ये वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड एंड देन मिलियन, तो यहाँ पे 7,450,283, आ समझ में। और ये सी एंड डी डू बाय योर सेल्फ। ओके, तो आज ये यहाँ तक रखते हैं, बाकी के जो टॉपिक्स हमारे बचे हैं एस्टिमेशन एंड रोमन नंबर्स, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू।